Hey guys, welcome to the fifth lecture of my Kubernetes series, and today we are going to create our first EKS cluster. So let's see what we are going to do today. So this is the whole architecture what we are going to deploy today. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल दो VPCs है, एक Bastion के लिए, एक हमारे Kubernetes क्लस्टर के लिए, और हम लोग हमारे Kubernetes क्लस्टर को डिप्लॉय करने वाले हैं बाय यूजिंग EKSCTL टूल। सो हम लोग सबसे पहले अपने Bastion होस्ट को क्रिएट करेंगे जो कि एक डिफरेंट VPC में होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, EKSCTL कमांड का यूज करेंगे विच इज गोइंग टू डिप्लॉय योर कंप्लीट Kubernetes क्लस्टर विथ इट्स रिलेटेड रिसोर्सेस एट वन कमांड। मतलब जब आप EKSCTL कमांड डालोगे तो EKSCTL क्या करता है, आपके VPC को भी क्रिएट करेगा, आपके सारे रिलेटेड सबनेट्स को क्रिएट करेगा, राउट टेबल्स को क्रिएट करेगा, नेट गेटवे का जरूरत है वो आपको क्रिएट करेगा, आपका जो कंट्रोल प्लेन है वो कंट्रोल प्लेन क्रिएट कर देगा, और आपके लिए वो मैनेज्ड नोड्स को भी क्रिएट कर देगा जहाँ पे आपका जो क्यूब प्रॉक्सी हो गया, क्यूबलेट वगैरह हो गया, ये सारे टूल्स सब कुछ बाई डिफॉल्ट रन कर रहे होंगे। सो वी हैव टू प्रोवाइड only one command, EKSCTL create cluster, and it's going to create your whole Kubernetes cluster with its complete networking components at one go. So let's move to the console. So let's go to the VPC. मैं क्या करूँगा, जो हमारा default VPC है ना, इस VPC को मैं as a Bastion host use करने वाला हूँ, तो इसे मैं कर देता हूँ Bastion VPC. Okay. अब हमारा जो Bastion VPC है वो क्या है, उसका इंटरनेट से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश किया हुआ है, और ये क्या है आपको पब्लिक सबनेट में रन कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पब्लिक सबनेट में इस Bastion होस्ट को लॉन्च करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग हमारे Kubernetes क्लस्टर को डिप्लॉय करेंगे विद द हेल्प ऑफ EKSCTL। तो सबसे पहले हम चलते हैं Cloud9 में। आपको Cloud9 में जाना है, और मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूंगा कि एज ए Bastion आप भी हमेशा Cloud9 ही यूज़ करें। कोई ज़रूरत नहीं है अपने विंडोज़ पे चीज़ों को इंस्टॉल करने का, बिकॉज जब आप रियल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहाँ वो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि आप अपने विंडो पे ही इंस्टॉल कर लो सब कुछ, ऐसा नहीं है। वो आपको कंप्लीट इन्वायरमेंट देते हैं, वो आपको Bastion देंगे, वो आपको आपका वर्चुअल लाइक VDI वगैरह देंगे, VDI देंगे। तो चीज़ सेम ही है, जो काम आप इधर Cloud9 पे कर रहे हो सेम ही काम आप उधर VS Code पे करोगे, सेम ही काम आप कि कहीं भी जाओगे तो सेम ही तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट को एक्सेस करने वाले हो। तो फिर क्यों उतना करना कि अपने मशीन पे, लोकल मशीन पे हम लोग चीज़ों को इंस्टॉल करें, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। Cloud9 आपको फ्री टियर में भी फ्री में इंस्टेंसेस प्रोवाइड करती है। हम लोग आज से Cloud9 का यूज़ मैक्सिमम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ क्रिएट इन्वायरमेंट पर क्लिक कर लेना है। गाइस अगर आपको Cloud9 के बारे में नहीं पता है तो मैं ये बता दूँ कि ये एक तरह से आपको ना एक कोड एडिटर दे देता है। कैसे, हमारा VS Code एक कोड एडिटर है जहाँ पे आप सारे फाइल्स को रख सकते हो, कंप्लीट कोड कुछ भी लिख सकते हो, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। बिल्कुल वैसा ही डैशबोर्ड ये आपको दे देता है जहाँ पे आप अपने फाइल्स वगैरह को भी रख सकते हो, और बैकएंड में ये Amazon Linux इमेज पे चल रहा होता है। तो चलिए हम लोग अपने इन्वायरमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरा क्या इन्वायरमेंट है, मेरा चलिए मैं दे देता हूँ कि चलिए मैं EKSCTL को यूज़ करने वाला हूँ, तो मेरा नाम भी मैंने EKSCTL ही कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी सेम डाल देते हैं। मुझे अपने Bastion के लिए न्यू EC2 इंस्टेंस चाहिए। आप चाहे तो कोई भी एग्जिस्टिंग EC2 इंस्टेंस को एज अ Bastion यूज़ कर सकते हैं, बट मैं वैसा नहीं करने वाला हूँ। लेट्स रन इट इन अ फ्री टियर एलिजिबल T2.micro। इसके बाद हम मुझे क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म Amazon Linux चाहिए। देख लीजिए दोस्तों एक चीज़, इसका जो बैकिंग है ना वो Linux मशीन है, ये विंडो मशीन नहीं है, बट इसका जो डैशबोर्ड होगा वो VS Code जैसा ही होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट यूज दिस, बिकॉज ये थोड़ा आसान हो जाता है। आप जब अपने विंडोज को यूज़ करोगे ना, या फिर अपने लोकल मशीन्स को यूज़ करते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टूल्स वगैरह आप इंस्टॉल करते हो और किसी ना किसी रीजन से वो फेल होने लगता है। तो वो सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो बाई यूजिंग Cloud9। चलिए टैग पे आ जाते हैं। तो मेरा और है दी क्लाउड वर्ल्ड, यहाँ से हम लोग क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को क्रिएट कर रहा है। तो अगर दोस्तों लाइक अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे अभी लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों इसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये EKS का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। अगर आप लोगों मेरे पुराने वीडियोज़ को आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ जाके इधर देख सकते हैं। आप लोग चाहे तो मैंने मल्टीपल प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, जहाँ पे मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस भी क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया हूँ। EKS का मैं लेक्चर्स ऑलरेडी बना रहा हूँ। मैं हमारा एक और प्लेलिस्ट है जहाँ पे इसके वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। आप चाहो तो ECS पढ़ सकते हो, डॉकर पढ़ सकते हो, आप चाहो तो कंप्लीट डेवऑप्स पढ़ सकते हो, टेराफॉर्म, एनालिटिक्स। आप ये सारे लेक्चर्स को यहाँ से देख करके AWS को अच्छे से सीख सकते हो। सो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो चुका है। ये हमारा बेस्टियन होस्ट है जो कि क्रिएट हो चुका है। अब इसे एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, बस यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है और कुछ नहीं। ये आपका इन्वायरमेंट को डायरेक्ट ओपन कर देगा। तो आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल VS कोड जैसा, या फिर कोई भी कोड एडिटर आप देख लो जो भी आप यूज़ करते हो बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे आप अपने फाइल को रख सकते हो और जैसे ये रेडमी है, इसे डबल क्लिक करो, यहाँ पे ओपन कर सकते हो। कोई भी फाइल को यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करके उसमें कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी कोडिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हो। और ये हमारा कमांड लाइन है जिससे हम लोग चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये क्या है, हमारा लिनक्स मशीन है, क्योंकि बैकेंड में आपको याद होगा हमने अमेजन लिनक्स ही यूज़ किया था। आप लोग देख सकते हो, देखिए होम EC2 यूज़र और इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग हैं। तो हमें अब क्या करना है, सबसे पहले हमारे बेस्टियन होस्ट पे जो भी हम लोग CLI यूज कर रहे हैं टू एग्जीक्यूट एनीथिंग ऑन EKS, तो हमारे पास दो चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए, एक kubectl और दूसरा EKSCTL। तो ये डॉक्यूमेंट AWS के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है, जिसका यूज़ करके हम लोग kubectl और इधर इसे यूज़ करके हम लोग EKSCTL को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइज ये बहुत ही आसान है, आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं होने वाले हैं। मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इससे पहले कि हम लोग kubectl और EKSCTL को इंस्टॉल करें, आप लोगों को कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पे आप सबसे नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा AWS सेटिंग्स। यहाँ पे नीचे आकर के AWS मैनेज टेम्पररी क्रेडेंशियल्स को क्या कर देना है, आपको स्टॉप कर देना है। याद है दोस्तों, ये दिस स्टेप यू विल हैव टू परफॉर्म, अदरवाइज यू विल फेस मेनी कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर। सो जस्ट क्लोज इट नाउ। सेकेंड चीज आपको क्या करना है, IAM पे जाना है। और IAM पे जाने से पहले मैं आपको EC2 पे जाकर के शो कर देता हूँ कि बैकेंड में Cloud9 ने जो इन्वायरमेंट क्रिएट करा है बैकेंड में क्या रन हो रहा है। तो आप जाके जैसे ही आप अपने इंस्टेंस पे जाओगे, आप लोग देख सकते हो बैकेंड में Cloud9 का एक EC2 इंस्टेंस रन हो रहा है। और ये जो EC2 इंस्टेंस है, मैं इसके AMI इसको देख लेता हूँ। कैपेसिटी देख लो, नंबर ऑफ CPU 1 है। ये आपको क्या है, फ्री टियर के अंदर में ये सारी चीज़ें आती हैं। आप लोग देख सकते हो ये कौन सा AMI है। आप लोग यहाँ पे जाओगे तो AMI भी आप लोग देख पाओगे, ये फ्री टियर का AMI है। ओके, अब इस EC2 इंस्टेंस को, मतलब जैसे कि आप यहाँ से AWS जो Cloud9 है, यहाँ से कोई भी कमांड अगर आप रन करते हो, जैसे कि AWS S3 LS, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आपको एक्सेस डिनाइड। अभी आपका जो बेस्टियन होस्ट है उससे आप AWS के इंस्टेंस को, AWS पे किसी भी चीज़ों से आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपके पास एक्सेस ही नहीं है। तो एक्सेस कैसे देंगे, आप लोगों ने AWS में पढ़ा होगा कि जब हमारा EC2 इंस्टेंस जो रन होता है, अगर इस EC2 इंस्टेंस के अंदर से आप AWS को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक, या तो आप एक्सेस की और सीक्रेट की को डालोगे यहाँ पे AWS कॉन्फ़िगर करके, जैसे कि आप AWS कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे आप एक्सेस की डालोगे, सीक्रेट की डालोगे, अपना रीजन नेम डालोगे, और उसके बाद आप अपने AWS के सर्विसेज को एक्सेस कर पाओगे। एक इससे भी ज़्यादा सिक्योर वे क्या है कि आप एक इंस्टेंस प्रोफाइल क्रिएट कर लो और अपने EC2 इंस्टेंस पे सिक्योरिटी पे जा करके यहाँ मॉडिफाई IAM रोल पे जाके अपने इंस्टेंस प्रोफाइल को यहाँ पे आप ऐड कर दो। तो आइए हम लोग इंस्टेंस प्रोफाइल को ही क्रिएट करके ऐड करेंगे, बिकॉज इट्स मोर सिक्योर, क्योंकि उसके जो कीज़ है वो ऑटोमेटिकली रोटेट होते रहते हैं, तो ये ज़्यादा सिक्योर होता है। तो सबसे पहले आपको जाना है IAM पे। एक बार जब आप IAM पे आ जाओगे तो आपको रोल्स पे जाना है, यहाँ से क्रिएट रोल पे क्लिक करना है। AWS पे आपको सेलेक्ट करना है EC2 आने के बाद जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर। हालांकि रियल वर्ल्ड पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं, ओनली रिक्वायर्ड सर्विसेज का एक्सेस होगा, बट सिंस इट्स जस्ट अ बिगिनर लेवल डेमो, सो मैं एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड जस्ट क्लिक ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, क्लिक ऑन नेक्स्ट। You have to provide a role name, so I'll just provide it. So it's for Bastion host. Click on create role. Once the role will be created, you have to just go on EC2 dashboard, click on the instances, click on the security, click on modify IAM profile, and just you will get the Bastion host whatever we have created now. Click on this, just update IAM role. Once you do this, now you just go and run the command. As you can see, we have all the buckets, whatever the buckets are there, I'm able to access. So now we will proceed with the kubectl and EKSCTL installation and later on we will deploy our first Kubernetes cluster. तो चलिए पहले हम लोग kubectl को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया ये हमारा क्या है इमेज लिनक्स इमेज है। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे लिनक्स पे जाना है। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, मैं इसे यूज़ करूँगा। जस्ट आपको क्लिक करना है यहाँ पे एंटर, फिर आपको नीचे आना है। ये हमारा ये तो ऑप्शनल है, चलिए इसे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। ओके ये अभी इंस्टॉल हो रहा है तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं। चलिए इंस्टॉल हो गया है, इसे वेरीफाई कर लेते हो। ये हमारा मिल चुका है कि, और अब हमें क्या करना है एग्जीक्यूट परमिशन देना है। हमारा जो भी kubectl का जो बाइनरीज है ना उससे हमें एग्जीक्यूट परमिशन देना है, बिकॉज kubectl क्या है वो एग्जीक्यूट ही तो करता है चीज़ों को। तो हम लोगों ने चलिए एग्जीक्यूट का परमिशन भी उसे दे दिया है। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे हमें क्या होता है ना कि पाथ में हमें kubectl को ऐड करना होता है, अदरवाइज ये जो कमांड है सही से काम नहीं करता है। आपको ऐसा क्या कि जब भी आप लिनक्स मशीन पे कोई भी टूल को इंस्टॉल करते हो ना कि किस तरीके से हम लोग विंडोज़ मशीन पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम लोग लिनक्स मशीन पे भी इस तरीके से हमें पाथ पे कोई भी टूल जो हमने इंस्टॉल किया उसे ऐड करना होता है टू वर्क विथ इट एफिशिएंटली। फाइनली हम लोग क्यूबलेट का वर्जन चेक करते हैं। आप लोग देख सकते हो क्यूबलेट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग करेंगे EKSCTL। पहले दिखा देता हूँ, चल EKSCTL प्रेजेंट नहीं है, मैं ये चीज़ क्यूबलेट में करना भूल गया था, सॉरी kubectl में करना भूल गया था। बट इनिशियली kubectl भी इंस्टॉल नहीं होता है, आपको सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना होगा। आपको EKS इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आना है, डायरेक्ट इसे क्लिक करो आप, जस्ट पेस्ट एंटर, देन गो हियर, जस्ट कॉपी दिस, क्लिक हियर, पेस्ट एंटर, देन अगेन जस्ट गो हियर, जस्ट क्लिक ऑन दिस EKSCTL वर्जन, क्लिक हियर, यू कैन सी EKSCTL has been successfully installed. Now we are going to deploy our cluster Kubernetes cluster using EKSCTL. तो EKSCTL जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों आप लोग को, ये क्या करता है ये एक सिंगल कमांड पे आपके कंप्लीट क्लस्टर को डिप्लॉय कर देता है। अब आपको यहाँ पे आके इसे अभी आपको नहीं देखना है फॉरगेट लिनक्स क्या होता है, आपको फिलहाल मैनेज नोट्स पे जाना है। मैनेज नोट्स में क्या होता है दोस्तों कि हमने हमारा ये क्या करेगा EKS जो है वो क्रिएट कर देगा मैनेज्ड EC2 इंस्टेंस पे। जो आपका वर्कर नोड होगा ना वो क्रिएट होगा EC2 इंस्टेंसेस पे। फॉरगेट क्या होता है दोस्तों, फॉरगेट सर्वरलेस होता है जो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। तो आपको क्लस्टर क्रिएट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये कमांड इधर से क्लिक कीजिए। दोस्तों सबसे बढ़िया बात है EKS क्रिएट क्लस्टर कमांड की, आपको कुछ भी अपने साइड से क्रिएट नहीं करना है, VPC वगैरह कुछ भी नहीं देखना है। छोटा से छोटा चीज़ ये एक सिंगल कमांड ही आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपको बस ये कमांड डालना है, रीजन पे आपके रीजन का नाम डालना है। मैं मुंबई रीजन यूज कर रहा हूँ सो मैं डालूंगा AP South 1, और क्लस्टर का नेम देना है। क्लस्टर का नेम क्या है EKSCTL डेमो, जस्ट क्लिक एंटर। सो ये थोड़ा टाइम लेता है, ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स, सो वी विल हैव टू वेट फॉर डैट। सो तब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। सो वी विल बी बैक वंस इट गेट्स क्रिएटेड। सो दोस्तों जब तक वो क्रिएट हो रहा है ना तब तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो व्हेन वी गेव आवर कमांड क्रिएट क्लस्टर लाइक EKS क्रिएट क्लस्टर आवर नेम, व्हाट इट डिड, इट जस्ट क्रिएटेड अ क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक, एंड दिस स्टैक हैज स्टार्टेड डिप्लॉइंग आवर EKS क्लस्टर। यू कैन सी, you can just go here on the event and you can check what are the things has been already created and what are the things are still creating. Okay, so देख लो आप, सबसे पहले हमारा जो क्लस्टर वो क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। उसके लिए उसने क्या किया NAT IP एड्रेस क्रिएट किया, फिर VPC क्रिएट करा, फिर इंटरनेट गेटवे क्रिएट करा, फिर सर्विस रोल्स क्रिएट करा। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो हमारा डायग्राम है जो राइट साइड है इसके अंदर हमारा जो EKS क्लस्टर है वो क्रिएट हो रहा है। So what it's doing, it's just creating this VPC, it's creating NAT gateways, it's creating internet gateway, it's creating all the required subnets, it's creating multiple security groups which needs to be added over these worker nodes because these worker nodes will be running on EC2 instances. तो चलिए देखते हैं, इसने VPC क्रिएट कर दिया, NAT IP क्रिएट कर दिया, देख सकते हो आप। It has also created subnets, it has created all the route tables, you can see here, it has created the subnets and all. VPC gateway attachment also has been created. For control plane, you can see the for control plane the security group has been created. NAT gateway has been created, like you can see here in this diagram. Private route tables are created to run your workloads. all the route tables are in place. You can see VPC gateway attachment, policy CloudWatch matrix, policy ELB permissions, everything you can see here. Now this all NAT gateway has been created. Now let's go to the console and let's see whatever has been created. तो इसने क्या किया, सबसे पहले एक EKSCTL मैनेज्ड क्लस्टर VPC को क्रिएट कर दिया है। तो ये आप हमारे आर्किटेक्चर में देख सकते हो, ये वाला जो VPC है, ये वाला VPC EKSCTL ने क्रिएट कर दिया है। इससे रिलेटेड जो भी सबनेट्स हैं आप लोग देख सकते हो, EKS मैनेज्ड क्लस्टर, इससे रिलेटेड जो भी सबनेट है सारे सबनेट्स ये EKSCTL इसने खुद से क्रिएट करा है। सारे रिलेटेड राउट टेबल्स आप लोग देख सकते हो, राउट टेबल्स के अंदर राउट स्टॉक ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट एडेड है, सबनेट्स आर ऑलरेडी एसोसिएटेड। तो आपको खुद से कुछ नहीं करना है। इवन इफ यू गो टू NAT गेटवे, यू कैन सी अ सिंगल NAT गेटवे विथ इलास्टिक IP एड्रेस, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय EKSCTL. You don't have to do, you haven't done anything. Okay, now you can move to the security group and you can check all the security group details here. As you can see, everything is created by EKSCTL itself. Now let's move to the EKS console. अब जब हम लोग EKS कंसोल पे आप लोग देखोगे तो ये हमारा क्लस्टर है जो कि क्रिएट हुआ है। यहाँ पे आप कंप्यूटर पे आओगे तो आपके लिए नोट ग्रुप भी क्रिएट हुआ है। हम लोग कुछ कमांड्स को देख लेते हैं। आप लोग उसी डॉक्यूमेंट पे जब नीचे आओगे, ये सारे कमांड है जिसे कि हमें अपने Bastion होस्ट पे रन करना है। दोस्तों अभी हम लोग एज ए एडमिनिस्ट्रेटर Bastion होस्ट पे कुछ कमांड्स को रन करेंगे और अपने इस EKS क्लस्टर के स्टेटस को देखेंगे। सो जस्ट गो ऑन द डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन दिस कमांड। आप लोग देख सकते हो ये अभी हमारे पास टोटल 2 क्लस्टर नोड्स हैं, 2 वर्कर नोड्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ये वर्कर नोड्स क्या है, Amazon Linux 2, इसका एक्सटर्नल IP भी हमारे पास है। हम लोग ये जाकर के डैशबोर्ड पे इसे देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हो ये दोनों जो EC2 इंस्टेंस है, ये हो गया हमारा वर्कर नोड जो कि ऑलरेडी रनिंग है। गाइज ये थोड़ा बड़े साइज का EC2 इंस्टेंसेज होता है बिकॉज बिकॉज वर्कर नोड नीड्स लार्जर EC2 इंस्टेंसेज। ओके, Now let's move to the next command. It will show all your running pods. So आइए हम लोग देखते हैं। तो इतने सारे पॉड्स जो है ना, वो अभी हमारे वर्कर नोड्स पे रन कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि proxy के पॉड्स रन कर रहे हैं, CoreDNS के पॉड्स रन कर रहे हैं, AWS नोड्स, ये सारे पॉड्स जो हैं वो हमारे अभी वर्कर नोड्स पे ऑलरेडी रन कर रहे हैं। ये है हमारा नोड जिसपे वो ऑलरेडी रन कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। चलिए आइए देखते हैं, मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाई देता हूँ। DNS है 2141 और पब्लिक DNS है 5639। तो दिखाता हूँ मैं 241, आप लोग देख सकते हो ये एक EC2 इंस्टेंस है। ये दोनों कंपोनेंट जो क्यूब सिस्टम AWS नोड है, एक ये कंपोनेंट हो गया और आपको एक क्यूब प्रॉक्सी हो गया जो कि हमारे एक EC2 इंस्टेंस पे रन कर रहा है, और बाकी के नोड जो हैं वो हमारे डिफरेंट EC2 इंस्टेंसेस पे रन कर रहे हैं। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट कमांड। अब हमें क्या करना है दोस्तों, याद रखना जब भी आप क्रिएट कर रहे हो जस्ट डिलीट एवरीथिंग, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको आएगा। ये फ्री टियर में नहीं आता है, ये EKS फ्री टियर में नहीं आता है दोस्तों, इट इंक्योर्स चार्जेस। ओके, सो टू डिलीट दिस यू हैव टू जस्ट रन दिस वन सिंपल कमांड। गाइज दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस EKSCTL कमांड बिकॉज इट विल डू एवरीथिंग वॉट एवर हैज़ बीन डन टिल नाउ। सो ये क्या है, जो भी आपने अभी तक क्लस्टर में क्रिएट करने के लिए जो भी आपने क्रिएट करा है, लाइक VPC क्रिएट करा है, सबनेट्स क्रिएट करा है, सिक्योरिटी ग्रुप्स, NAT गेटवे, एवरीथिंग इट विल डिलीट। सो जस्ट गो एंड रन दिस कमांड। हमारा रीजन क्या था, पहले हमारा नाम क्या था, EKSCTL सॉरी डेमो, और हमारा रीजन क्या है AP South 1, एंटर। सो गाइस इट विल टेक सम टाइम, आफ्टर दैट इट विल डिलीट एवरीथिंग। सो वंस इट विल बी डिलीटेड विल बी बैक। So guys, before you proceed further, if you are enjoying this video, please like the video. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जान पहचान में कोई भी, जिसे भी क्लाउड से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ विद देम। सो दोस्तों ये फाइनली डिलीट हो चुका है हमारा स्टैक। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तक आपने दोस्तों ये देखा होगा कि मैंने अभी तक एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा पॉड के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डिप्लॉय एप्लीकेशंस ऑन आवर वर्कर नोड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।